वो केवल दलित समाज या बहुजन समाज का नहीं, देश के 99% लोगों का नुकसान उसमें हुआ। हम डाटा पढ़ते हैं कहीं 1% लोगों के पास 75% प्रॉपर्टी है। जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भवतु सर्वमंगलम, सबका कल्याण हो, वही धारणा हमारे संविधान में बाबा साहब ने रखी पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण। तो वो सब होने के बाद भी, संविधान में होने के बाद भी वो लोक कल्याण की बात धरातल पर उतर नहीं पाई। आरणी मीना साहब ने कहा, आरणी श्री हीरालाल जी ने कहा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आज हम सब बटे हुए हैं, आज हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, आज इस देश में हमारा हिस्सा नहीं मिल पा रहा। और हिस्से की तो बात बहुत दूर की बात है, हम अपने मान सम्मान को और जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाए, यहाँ की स्थिति आ गई है। मैं 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले तो इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसका मूल कारण है। जाति व्यवस्था के आधार पर हमको बांटा गया और आज भी हम, जब पूंजीवाद की बात होती है तो हम सब एक फॉर्म में कहते हैं ठीक है वो गलत है, गलत हो रहा है हमारे साथ, अन्य अत्याचार हो रहा है, गलत है। लेकिन जब गाँव में इकट्ठे होते हैं तो फिर हम गोविंदा गोपाल मिली जाटव यादव ठाकुर बनिया ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा कड़वा सच है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसके बाद पूंजीवाद, एडिया के ऊपर सभी भयन प्रयोगी अखबारों में कि 900 करोड़ रुपया चंदा का दिया गया राजनीतिक दलों, उसमें 700 करोड़ रुपया केवल एक दल को दे दिया गया, 700 करोड़ रुपया केवल एक विशेष पार्टी को दे दिया गया। तो हमें ये देखना है कि 60% पैसा वो चुनाव वाले वर्ष में दिया गया, तो जिन लोगों ने वो 700 करोड़ रुपया लिया अब वो पवनंस बेचने लगे, वो एयर इंडिया बेचने लगे, 17 कंपनियां भारत की बेच रही, पूरा देश बेचने लगे। तो जिनसे उन्होंने पैसा लिया बदले को देश बेच करके उनको उपकृत करने लगे, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और आज हमें पूरे देश में जो आज की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, अरविंद कुमार साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी उनसे बात भी उन्होंने बताया कि देश के, हम लोग कहते हैं देश की सरकार कब से नहीं बदली, 3 साल से नई सरकार चल रही है, उन्होंने कहा 27 साल से देश की सरकार नहीं बदली, 27 साल से देश में भी सरकार चल रही है। कैसे चल रही है, 1990 से जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ, तो जो इकोनॉमी लागू की पीवी नरसिंह राव जी ने देश में, वही इकोनॉमी आज मोदी लागू कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लोग बदलते रहे लेकिन अर्थव्यवस्था देश की उसी ढंग पर, देश को बेचने का काम ये लोग करते हैं। तो ये बात हमें देश के बच्चे बच्चों को बताएंगे, गांव गांव में जाकर बताएंगे, और हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, हमें ही करना पड़ेगा। वो हम लोग इतने लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, इस दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं, जब हम उदासीन हैं, जब हमने भगवान के भरोसे खुद को छोड़ दिया है, तो फिर हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, आप सब लोगों का, ये अतिथि इधर बैठे इन लोगों का, कि इस महानगर में आप कम से कम छुट्टी के दिन आयोजन आकर के अपना समय देकर के बैठे हैं और समाज के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने कोशिश की वो अंजाम उनका, जहां जाना चाहते थे वो पहुंचे। देख लो आप सामने पासवान जी, वो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते थे, उन्होंने नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, लेकिन वो पहुंचे। बहन मायावती जी, उन्होंने कोशिश की, नौकरी नहीं की, वो मुख्यमंत्री बने। तो जिन लोगों ने, अब हमने क्या बना, तो भैया टीचर बनने की कोशिश की, टीचर बन गया। लेकिन अब मेरे बच्चे, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और करोड़ों रुपए दोनों नंबर में कमाएगा, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। और ये समाज का काम करने का कि आगे नरेंद्र कुमार जी करेंगे, ये मेरा बेटा नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, अपनी नई जनरेशन को इधर लाने का काम नहीं करेंगे, उन्हें देश के हालात से अवगत करा करके देश की व्यवस्था को बदलने का जज्बा उनके अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। समस्या का समाधान तो होते रहेगा लेकिन करना नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली में बैठ करके हम बीज पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसे पौधा बनाने के लिए, इसे पेड़ बनाने के लिए, इसे बाग बनाने के लिए हमें भारत के अन्य प्रांतों में
चाहे हम 10 गांव में जाएं, फिर 20 में जाएं, फिर 30 में जाएं, वो काम हमको करना पड़ेगा। तो या तो ये बीज है, या तो ये माली बैठे हुए हैं कि ये कर सकते हैं, करने की क्षमता है। लेकिन एक चीज हमें क्या रोकती है, लालच। लालच हमारे अंदर बहुत है। मैं MLA बन जाऊं, मैं MP बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, बस अपनी कीमत लगा ली और बिक गए। कई लोग बिकने में बैठे, वही तक निश्चित है, कीमत भी लगा लो, बिकने को कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन बिकने की कीमत यह है कि कम से कम मेरे समाज का, समाज की समस्याओं का संविधान के अनुसार समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दौड़ में क्या हमारे देश, हमारे समाज के लोगों को, भोजन समाज के लोगों को नहीं रहना चाहिए? ठीक है भैया, अपनी कीमत बोलेगा तो मैं मुख्यमंत्री से नीचे किसी पद के लिए तैयार नहीं हूं, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल मांगने से कोई देने वाला है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी कीमत, हमारा लालच। हम छोटी सी कीमतें बिक जाती है, कहीं से राज्यसभा का टिकट मिल गया तो बिक गए, MLA का टिकट मिल गया तो बिक गए, MP का टिकट मिल गया तो बिक गए। सर यादव जी बोल रहे थे स्टेडियम में कि अगर बच्चा बड़े बच्चा है तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने सब साफ शब्दों में कहा कि मैं भी रहा पूर्ण सत्ता चाहिए, 105 लाख लाखों का बजट भरोसा लगता है। तो साथियों, ये काम हमें ही करना होगा। और सबसे बड़ी उदासीनता ही हमारी दुश्मन है। ये उदासीनता हमें कहीं ना नहीं छोड़ेगी, हमें अपनी दिशा तय कर लेनी चाहिए। इतने संगठन काम करते, हमने फिजिक्स में पढ़ा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कितनी टावर लगा दो, विस्थापन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। एक गाड़ी में चार घोड़े लगा दो, चार तरफ घोड़े गाड़ी को खींचेगी, गाड़ी भी टूट जाएगी, घोड़े भी बेहोश हो जाएंगे। बहुत मोटा काम करना है, सहजता से करना है। बहुत बड़े आंकड़ों की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जो फार्मूला दे दिया है, एक राइट टू वोट, वो करिश्मा कर सकता है अगर अपना लालच त्याग दे और सहजता से अपने रास्ते को पकड़ ले। मैं मरते तब तक आम आदमी के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, ये संकल्प हमें कर लेना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए। और उसमें केवल दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी परेशान है। आम आदमी, चाहे वो सामान्य जाति का है, चाहे वो पिछड़ी जाति का है, चाहे वो दलित जाति का है, पूरा देश से लगा हुआ। आउटसोर्सिंग में ब्राह्मण को भी बंदे जाएंगे, नौकरी मिल रही है 85 महीने चाहिए थी, और वो सुविधा के आदमी को भी मिल रही है, माइनॉरिटी को भी मिल रही है, लेकिन हमें जाति के आधार में काउंट करके बेवकूफ बनाया जाता है। तो साथियों, मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहराते हुए कहूंगा कि हमें समर्पण की भावना से अपना काम शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों को इसमें लगाना चाहिए। बच्चों को, वो नहीं जानते कार्यपालिका क्या है, वो नहीं जानते विधायिका क्या है, वो नहीं जानते न्यायपालिका क्या है, वो नहीं जानते प्रेस क्या है। फिर सब हमारे ढाप के हिसाब से चलना, तो हमारे बच्चे नहीं समझेंगे, जब वो आगे नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो समझते नहीं चीजों, वो तो सिर्फ भाषा की ओर समझ रहे। तो हमें ये फंडामेंटल चीजें अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी। हम उन्हें गोष्ठियों में लेकर के आए, हम उन्हें घर में बैठ के समझाएं, हम उन्हें भविष्य के लिए कहता हूँ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए जरूर तैयार रहो। देश की राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था आपके बदलने से ही बदलेगी। और सब कुछ है कार्यपालिका के हाथ में है। हम कितनी ही बातें कर लें, कितने ही प्रयास कर लें, जब तक देश की राजव्यवस्था नहीं बदलेगी, कोई व्यवस्था बदल नहीं सकती। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। सभी साथियों का धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार हूं। इधर सभी लोग, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, बहुत पहले तक तो ताज बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील का पानी बनकर, और दरिया बने होते तो बहुत दूर निकल सकते। जय हिंद, जय भारत।